बिहार में हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कटिहार में होमगार्ड की बहाली को लेकर गड़बड़ झाला सामने आए, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मची हुई है। बता दें कि गृह वाहिनी के जो कमांडेंट है, तत्कालीन कमांडेंट हर्षवर्धन सहित कुल चार लोगों पर मामले भी दर्ज करने की पुष्टि जो है कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार ने किया। तो बता दें कि कटिहार से होमगार्ड की बहाली को लेकर खबरें आती रहती हैं, जिसमें अब जो ये खबर निकल के आई है कि गृह वाहिनी के जो रक्षक हैं हर्षवर्धन कमांडेंट हैं, उनके सहित चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक जांच में तत्कालीन कमांडेंट हर्षवर्धन और जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहा है, जिसके आधार पर मामले में FIR दर्ज किया गया है। इस मामले पर कटिहार SP जितेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुने। इसमें जो नगर थाना में जो अभी वर्तमान जिला समादेष्टा है उनके कार्यालय से पवन कुमार मिश्र के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कुल चार लोगों पर धोखाधड़ी से और साजिशकर्ता के अंतर्गत जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। कौन कौन है ये चार लोग? जिसमें पूर्व के जिला समादेष्टा हैं कि श्री हर्षवर्धन हैं, दो दंडाधिकारी हैं और एक जो वीडियोग्राफी हेतु जो चयनित एजेंसी के जो ऑनर है वो है। और क्या कह रहे हैं? अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं और जितने भी इसमें साक्ष्य हैं साक्ष्य के आधार पर इसमें कार्रवाई होगी। जो अभ्यर्थी उन लोग की तरफ से कोई आवेदन कोई शिकायत आया पुलिस के पास अब तक? अभी तक शिकायत आवेदन कोई नहीं आया है, लोग मिलने आए थे और अनुसंधान जो है हम लोग अनुसंधान के क्रम में जितनी भी बातें आएंगी जो भी लोग हम लोग का सहयोग करना चाहेंगे वो सभी लोग जो है अपना पक्ष को। आपने कटिहार SP जितेंद्र कुमार को सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि होमगार्ड की बहाली में जो गड़बड़ झाला हुआ है उसमें जितने भी प्रशासनिक लोग शामिल हैं उन पर FIR दर्ज कर दिया गया है, आगे मामले पे कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 2011 के वैकेंसी की परीक्षा 2022 में लिया गया था, लेकिन फिर इस पर कई अनियमितता का आरोप लगाते हुए सभी चयन प्रतिक्रिया समाप्त होने के बाद पैनल को कैंसिल कर दिया गया था और अब इस मामले में चार लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। आगे इस मामले में कई बड़े शख्सियत के साथ साथ राजनीति से जुड़े दिग्गजों के नाम सामने आने की भी चर्चा में है। पूरे मामले पर अब तक किए गए कार्रवाई और आगे इस मामले पर क्या हो सकता है आपको बता दें कि इन तमाम बिंदुओं पर हम आपको खबर देते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि 2011 में जो वैकेंसी आई थी उसकी परीक्षा तो 2022 में हुई और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी उसे कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद अब कटिहार के SP जितेंद्र कुमार जो है कार्रवाई करते हुए गृह रक्षा वाहिनी के जो कमांडेंट हैं हर्षवर्धन सहित चार लोगों पर कार्रवाई की है, मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें राजनीतिक लोग भी शामिल हैं इस गड़बड़ झाले में। इसके बाद प्रशासनिक महकमे में तो हड़कंप मची हुई है, लेकिन SP का कहना है कि इस पर छानबीन कर कार्रवाई कर आगे के सारे बिंदुओं पर हम काम करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर होमगार्ड बहाली में गड़बड़ झाला कैसे हो रहा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।